तो दोस्तों, हम में से सभी लोग क्रोम ब्राउजर का यूज तो करते ही होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर क्रोम ब्राउजर को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर अपने क्रोम ब्राउजर को कैसे अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल जो लेटेस्ट वर्जन है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्रोम ब्राउजर को अपडेट क्यों करना है। देखिए, जब आप अपने क्रोम ब्राउजर को अपडेट करेंगे, जब लेटेस्ट वर्जन आप यूज करेंगे, तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिल जाती है। तो इससे आपका जो प्राइवेट डाटा है वो भी सिक्योर आता है, और जो हैकर है वो आपका डाटा हैक भी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, सिंपली आपको अपने ब्राउजर को खोल लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट मिलेगा, इसके पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप नीचे इधर आएंगे तो आपको अबाउट क्रोम का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका क्रोम ब्राउजर अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा क्रोम ब्राउजर है वो बिल्कुल अप टू डेट है। अगर आपका क्रोम ब्राउजर यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्रोम ब्राउजर अपडेट करने लगेगा। तो दोस्तों, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक एरर मैसेज अगर आता है और आपका क्रोम ब्राउजर अपडेट नहीं होता है, तो सिंपली आपको रीसेट सेटिंग के ऊपर जाके क्लिक करना है। उसके बाद आपको रीस्टोर सेटिंग टू देयर ओरिजिनल डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है, और रीसेट सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद जो आपका सेटिंग है वो बिल्कुल रिसेट हो जाएगा, और फिर से आपको अबाउट क्रोम के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो बिल्कुल अपडेट होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे आप अपने क्रोम ब्राउजर का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।